नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविन्द्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो का टॉपिक है अनस्टेबल अनजाइना और एनस्टेमा बायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन पल्पिटेशन स्वेटिंग ऐसे सिम्टम के साथ अगर ईसीजी में टॉल पिक टी वेव टी वेव इन्वर्जन या एस डिप्रेशन होता है तो कार्डियक बायोमार्कर लेवल दिखनी चाहिए अगर लेवल नॉर्मल है तो डायग्नोसिस अनस्टेबल एंजाइना है अगर लेवल रेज है तो डायग्नोसिस नॉन एस टी इलिवेशन मायाकार्डियल इन्फॉक्शन या एनस्टेमा होता है अगर इसी में एस टी इलिवेशन है तो ये एस टी इलिवेशन मायाडियल इन्फॉक्शन या स्टीमा होता है ओल्ड या इवॉल्ड एमआई में इसी में पैथोलॉजिकल क्यूवस मिलती है इस वीडियो में हम अनस्टेबल अनजाइना और एनस्टेमा को इलेबरेट करेंगे अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमाई की, की टॉल पिक टी वेव, टी वेव इन्वर्जन और एस डिप्रेशन को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको यहां मिल जाएगी अनस्टेबल अंजाइना को समझने के पहले अनजाइना क्या होता है ये समझते हैं ंजा का सिंपल मीनिंग है चेस्ट पेन बट बहुत बार पेशेंट से छाती में जकड़न भारी बना जलन या छाती भरी हुई लगना ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं चेस्ट पेन मोस्ट कॉमनली रेट्रोस्टर्नम लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एपी लेफ्ट आर्म और फोर आर्म में होता है बट लेस कॉमनली बैक शोल्डर नेक और जॉम में भी रेडिएट हो सकता है अभी ये समझते हैं कि अनस्टेबल का क्या मीनिंग होता है अगर अनजाना रेस्ट पे होने लगे अनजाना की फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ने लगे चेस्ट पेन के पैटर्न में बदलाव दिखाई दे, देजाना रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन से सब्साइड ना हो तो उसे अनस्टेबल अनजाना बोलते हैं जैसा कि हमने अभी देखा अगर अनस्टेबल अनजाना के सिम्टम्स और इसीजी चेंजेस के साथ कार्डियक बायोमार्कर के लेवल बढ़े हुए हो तो उसे नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या एनस्टेमा बोलते हैं कार्डियक बायोमार्कर मायोकार्डियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इस्केमिया से होने वाले नेक्रोसिस जैसी इंज्यूरी से सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं सो ब्लड में कार्डियक बायोमार्कर का होना नेक्रोसिस इंडिकेट करता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली ट्रोपोनिन आई या टी और क्रियाटिन फॉस्पोक एमबी फ्रैक्शन ये बायोमार्कर यूज होते हैं ये दोनों ही बायोमार्कर्स ऑनसेट ऑफ सिम्टम के थ्री टू सिक्स आवर्स के बाद ब्लड में अपियर होते हैं सीपी के एम बी अराउंड डे वन पे पीक लेवल अचीव करता है और उसके बाद ग्रेजुअली लेवल कम होते हुए डे थ्री तक नॉर्मल हो जाती है ट्रोपोनिन्स अराउंड डे टू पे पीक लेवल अचीव करता है और ग्रेजुअली लेवल कम होते हुए डे सेवन तक नॉर्मल हो जाती है सीपी के एम बी लेवल डे थ्री पे नॉर्मल हो जाती है इसीलिए लेवल री इन्फेक्शन के केसेस में यूजफुल होती है सपोज पेशेंट को डे फाइव पे री इन्फेक्शन होता है तो यहां लेवल फर्स्ट इन्फेक्शन से ऑलरेडी रेज होगी बट डे पे एमबी लेवल अगर रेज मिलती है तो ये री इन्फॉक्शन इंडिकेट करता है चलिए देखते हैं टीमी स्कोर क्या होता है अनस्टेबल या एनस्टेमाई के कुछ पेशेंट हाई रिस्क होते हैं जिनमें स्टीमा री इन्फॉक्शन और इवन डेथ का रिस्क होता है थ्रोम्बोलाइसिस इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मतलब कि टिमी रिस्क रिस्कोर ऐसे हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है इस स्कोरिंग सिस्टम में सेवन वेरिएबल होते हैं और हर वेरिएबल के प्रेजेंस को वन पॉइंट दिया जाता है अगर टिमी रिस्क स्कोर थ्री और मोर होता है तो पेशेंट को हाई रिस्क समझा जाता है ये सेवन वेरिएबल कुछ इस तरह होते हैं एज मोर देन सिक्सटी फाइव इन प्रीसीडिंग सेवन डेज में एस्पिरिन का यूज कोरोनरीज में फिफ्टी परसेंट या अब के ब्लॉक का होना कार्डियक बायोमार्कर लेवल्स का एलिवेटेड होना कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एटलीस्ट थ्री रिस्फेक्टर का होना जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन डिसलिपिडीमिया फैमिली हिस्ट्री ऑफ सी और हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग नेक्स्ट पॉइंट होता है लास्ट 24 फोर आवर में टू और मोर अंजैनल इवेंट्स का होना और इसी जी में डेविएशन का होना ऐसे रिस्क पेशेंट को एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल और क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करना चाहिए कई ऐसे अटिपिकल चेंजेस भी होते हैं जो एम इंडिकेट करते हैं रिसेंट ऑनसेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या एलबीबीबी ऐसा ही एक ई पैटर्न है सो so, ये इसीजी को हम एम आई कंसिडर कर सकते हैं बट इसके लिए बेस लाइन ई अवेलेबल होना चाहिए और उस ई में एल नहीं होना चाहिए तभी इस ई के एल को रिसेंट ऑनसेट बोला जा सकता है अगर आप एल के बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं वेलेंस सिंड्रोम ऐसा ही अटिपिकल ईसीजी पैटर्न है जो एम इंडिकेट करता है वेलेंस सिंड्रोम के फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अंजैनल चेस्ट पेन की हिस्ट्री कार्डियक बायोमार्कर का नॉर्मल या मिनिमली रेज होना लीड V2 और V3 में डीप टी वेव इन्वर्जन और बायोफेजिक टी वेव का होना प्रिकॉर्डियल लीड्स में एस एलिवेशन या पैथोलॉजिकल क्यू वेव का ना होना और नॉर्मल आरवेव प्रोग्रेशन का होना वैलेंस सिंड्रोम क्रिटिकल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी स्टिनोसिस को इंडिकेट करता है और फ्रिक्वेंटली लाइफ थ्रेटर्निंग एंटीरियर वॉल स्टीमा में कन्वर्ट होता है इस सीजी में लीड वी टू और वी थ्री में बायफिजिक टीवेव दिखाई दे रही है रिकॉर्डेड लीड्स में एसटी इलिवेशन या पैथोलॉजिकल क्यू वेव नहीं दिखाई दे रही है और साथ में ही नॉर्मल आरवे प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है अगर पेशेंट को अंजैनल चेस्ट पेन है और कार्डियक बायोमार्कर लेवल नॉर्मल या मिनिमली रेज है तो यह इीजी वेलेंस सिंड्रोम इंडिकेट करता है डी विंटर टी वेव पैटर्न के भी चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रिकॉर्डेड लीड्स में टॉल प्रोमिनेंट सिमेट्रिकल टी वेव्स जीरो पॉइंट वन मिलीवोल्ट और 1 एम mm एम से ज्यादा का अपस्लोपिंग स्लूपिंग एस टी डिप्रेशन प्रिकॉर्डिंग लीड्स में एस टी इलेवेशन का ना होना और लीड एवीआर में 0.05 पॉइंट जीरो फाइव से जीरो पॉइंट वन मिलीवोल्ट मतलब कि जीरो पॉइंट फाइव से वन एम एम तक का रेसिप्रोकल एस टी इलेवेशन का होना डी विंटर टी वेव पैटर्न भी वेलेंसम की तरह क्रिटिकल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्ट्री स्टिनोसिस इंडिकेट करता है और फ्रीक्वेंटली लाइफ थ्रेटनिंग एंटीरियर वॉल टीम में कन्वर्ट होता है एस एस में लीड V3 में टॉल सिमेट्रिकल टी वेव के साथ 0.1 मिलीवोल्ट से ज्यादा का एस टी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है लीड V4 में भी समवर्ट सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है लीड AVR में 0.1 मिलीवोल्ट तक का रेसिप्रोकल एस टी इलिवेशन दिखाई दे रहा है रिकॉर्डेड लीड्स में कहीं पे भी एस टी इलिवेशन नहीं है डी विंटर टीवे पैटर्न इंडिकेट करता है अनस्टेबल अंजाइना और एनस्टेमाई के ट्रीटमेंट के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं सिम्टम्स को रिड्यूस करना मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना मायोकार्डियल ब्लड फ्लो को बढ़ाना और फ्यूचर इवेंट को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी अंजाइनल पेन के सिम्टम्स को कम करने के लिए सबसे कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स में आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट डाइनाइट्रेट और ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट कॉमनली यूज होते हैं नाइट्रेट्स हाइपोटेंशन या इन्फीरियर वॉल स्केमिया में कॉन्ट्राइंडेटेड होते हैं सीवियर चेस्ट पेन के पेशेंट में अगर नाइट्रेट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो या फिर नाइट्रेट्स कॉन्ट्राइंडेटेड हो तो मॉर्फिन या ब्यूपरे यूज कर सकते हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मेटोप्रोलॉल कार्विडिलॉर और नेबीबोलॉल जैसे बीटा ब्लॉकर से ये दोनों ही फैक्टर कंट्रोल किए जा सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स एक्यूट हार्ट फेल्यूर और कार्डोजेनिक शॉक में कॉन्ट्राइंडेटेड होते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बा प्लेटलेट रिच होते हैं इसीलिए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में एंटी प्लेटलेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीप्लेटलेट्स थ्रोम्बस के प्रोग्रेशन को हॉल्ट करते हैं और थ्रोम्बस डिजोल्यूशन को प्रमोट करते हैं एस्पेरिन सबसे इंपॉर्टेंट एंटीप्लेटलेट है यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब कि एन ग्रुप को बिलोंग करती है एस्पेरिन का लोडिंग डोज 325 मिलीग्राम होता है और मेंटेनेंस डोज 81 टू 325 मिलीग्राम ओडी होता है एस्पेरिन सबसे इफेक्टिव होती है और एक्यूट कोरोनरी इवेंट के बाद लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू की जाती है क्लोपिडोग्रेल थीनोपायरेटिन ग्रुप को बिलोंग करती है क्लोपिडोग्रेल का लोडिंग डोज 75 फाइव से कम की एज के पेशेंट को ही दिया जाता है लोडिंग डोज 300 हंड्रेड होता है हालांकि कुछ स्टडीज 600 हंड्रेड का लोडिंग डोज रिकमेंड करती है मेंटेनेंस डोज 75 फाइव ओडी होता है प्रासुग्रेल भी थीनोपैरिडिन ग्रुप को बिलोंग करती है इसका लोडिंग डोज 60 एम होता है और मेंटेनेंस डोज 10 एम जी ओडी होता है प्रासुग्रेल की इफिकेसी क्लोपिडोग्रेल से बेटर होती है लेकिन ब्लीडिंग की रिस्क भी ज्यादा होती है इसीलिए प्रासुग्रेल जिनमें स्ट्रोक की हिस्ट्री है ऐसे पेशेंट और पी के पहले यूज नहीं की जाती है टीका ग्रिलोर नॉन थोपेडीन ग्रुप को बिलोंग करती है लोडिंग डोज वन एटी और मेंटेनेंस डोज फर्स्ट ईयर तक नाइन्टी एम जी, एम जी होता है एस्पिरिन के अलावा सिर्फ टीका ग्रेलोर एक्यूट कोरोनरी इवेंट के वन ईयर के बाद भी कंटिन्यू करना रिकमेंडेड है बट वन ईयर के बाद मेंटेनेंस डोज सिक्सटी एम जी होता है टीका ग्रिलोर लो डोज एस्पिरिन के साथ दी जाती है क्योंकि हंड्रेड एम से ज़्यादा का एस्पिरिन का डोज

एक्वट कोरोनरी इवेंट के बाद हिपेरिन कॉमनली टू टू एट डेज तक या फिर पी होने तक कंटिन्यू किए जाते हैं एल का लोडिंग डोज 75 फाइव के कम एज के पेशेंट में ही इंडिकेटेड होता है ये डोज 30 एम जी आई बोलस और 1 एम पर के जी सबक्यूटेनियसली दिया जाता है बट टोटल डोज 100 एम से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेंटेनेंस डोज 1 एम पर के जी सबक्यूटे ट्वेल्व अवरली होता है एल को अनफ्रैक्शनेटेड टे e से प्रेफर किया जाता है क्योंकि एल की एक्शन प्रिडिक्टेबल होती है अनफ्रैक्शनेटेड e का लोडिंग डोज 60 टू 70 यूनिट्स पर के जी आईवी बोलस ऐसे दिया जाता है बट ये डोज मैक्सिमम 5000 थाउजेंड यूनिट ही होना चाहिए मेंटेनेंस डोज से ट्वेल्व टू फिफ्टीन यूनिट्स पर के पर आर ऐसे शुरू किया जाता है बट ये डोज मैक्सिमम थाउजेंड यूनिट्स पर आर इतना ही होना चाहिए अनफ्रैक्शनेटेड रिपेरिंग के मेंटेनेंस डोस के दौरान एपीटी लेवल एवरी एट अवरली मॉनिटर करनी चाहिए और एपीटीटी लेवल 50 टू 70 सेकेंड्स के बीच रखने के टारगेट के हिसाब से मेंटेनेंस डोज का इन्फ्यूजन रेट एडजस्ट करना चाहिए थ्रोम्बस फॉर्मेशन में लिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसीलिए स्टैटीन जैसे की एटोर स्टेटीन एटीएमजी वंस डेली के मैक्सिमम डोज पे एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करने चाहिए कुछ न्यूअर एजेंट्स को भी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज करने के लिए एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा रहा है जहां कन्वेंशनल एंटीप्लेटलेट यूज नहीं किए जा सकते ऐसे पेशेंट में जीपी टू बी थ्री ए प्लेटलेट रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि टायरोफेबन और एप्टीफेबाटाइड यूज किए जा रहे हैं टायरोफेबन को आफ्टर पी भी यूज किया जाता है डायरेक्ट थ्रोमिन इनिपेटर्स जैसे कि हायरोडीन लेपेरूडिन और बिवालीरोडीन इनके पोटेंशियल अल्टरनेटिव हो सकते हैं अनस्टेबल और, और एनस्टेमाई के पेशेंट में कोरोनरी एंजियोग्राफी और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस के लिए पीसीआई से रीवस्कुलराइजेशन एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए बट कुछ केसेस में ये प्रोसीजर्स इमिजिएटली करनी चाहिए जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर अंजाइना रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन न्यू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और अनस्टेबल एक्यूट कोरोनरी इवेंट के बाद 12 मंथ्स तक ट्यूएल एंटीप्लेटलेट थेरेपी दी जाती है और उसके बाद लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन कंटिन्यू की जाती है स्टेटिन्स को भी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू किया जाता है एक्यूट कोरोनरी इवेंट के बाद प्रोग्रेसिव कार्डियक डिसफंक्शन होने लगता है जिसे कार्डियक रीमॉडलिंग बोला जाता है कार्डियक रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि मिटाब्रोलॉल कार्वेडिलॉर और नेबीवलॉल एस इनिबिटर्स जैसे कि रेमिप्रिल और अल्डेस्टोरन एंटागोनिस्ट जैसे कि स्पायरल यूज किए जाते हैं सी के रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज मलाइटस हाइपरटेंशन टेंशन इनको कंट्रोल करना और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे स्मोकिंग को बंद करना रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करना और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग